क्रिस्पी एग रोल्स। एग रोल के लिए हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल, 4-5 खाने के चम्मच, 8 अदद अंडे, साथ में आ गया इसमें नमक और इसके बाद आ गई इसमें सब्जियाँ, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, बस। और ये 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। ये हमने सारा शामिल कर दिया, मैं नमक थोड़ा सा और शामिल कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली हमने इसको मिक्स करना है, देखिए तेज़ आंच पे। इसके बाद ये सारी फिलिंग आ गई एक प्लेट में और इसको हमने ठंडा इसमें से करना है कि इसमें हमने पनीर शामिल करनी है और फिर इसको हमने रोल बनाने हैं। इसमें आप चाहें तो चिकन शामिल कर सकते हैं, वैसे हैं इसका बेहतर जो टेस्ट आएगा वो अंडे का ही चाह रहे हम, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां भी जो आपको पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा प्याज और गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, ये तो नॉर्मल है, हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम स्लाइस किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। ये अंडे का मिक्स है, इसके अंदर हमने ठंडा होने के बाद चेडर या मोज़रेला कोई सी एक चीज़, मैं चेडर चीज़ में मिक्स कर रहा हूँ और ये देख, ये थोड़ी सी मिक्स की और इसको मिक्स करने के बाद ये आ गया, इससे 2 रोल बन जाएंगे आराम से। और रोल बनाने के लिए बेस्ट तरीका इसका ट्रायंगल में इसको रखने का है, ये देखें, ये ऐसा रखा, ये रखा, तो इस तरीके से आपके रोल जो है ये इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा और ऑयल अंदर ही ये बाहर रहेगा, ये पूरा पैक हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे किया, यहाँ से ऐसे फोल्ड किया और इसके बाद इसको रोल करते गए, ये सिंपल। एंड में आपने थोड़ी सी लई बनाई हुई मैदे की, उसने आप सील कर दिया और बस। अच्छा, इसको आँच भी बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकेगा, धीमी आँच पे पकेगा, दरमियानी, अदरवाइज़ ये देखें ये टेम्परेचर इसका बस सही है। सारे बना देते जाते हैं और डीप फ्राई करते जाएंगे और डीप फ्राइंग का इसका भी टाइम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट। ये आ गए हमारे बेहतरीन, देखें ये इसमें जो पनीर मेल्ट हो रही है ना, दिस लुक्स अमेजिंग। क्रिस्पी एग रोल्स। अच्छा, रोल पट्टी 1 पैकेट, तेल तलने के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, फिलिंग के लिए अंडे 8 अदद, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, गाजर चॉप 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप।